यूपी के बलिया में पुलिस और खनन तथा परिवहन विभाग ने अवैध रूप से परिवहन करके लाए जा रहे बालू लदे 37 ट्रकों को अभियान चलाकर सीज कर दिया। वहीं संयुक्त टीम के अभियान में 18 लाख रुपए राजस्व वसूल किया गया। वहीं ट्रक मालिक का कहना है कि परिवहन विभाग ने अवैध रूप से आ रही ट्रकों को सीज किया है, जबकि अवैध रूप से आ रही ओवरलोड ट्रकों को भगा दिया है। यूपी बिहार के बॉर्डर के जयप्रभा सेतु पर कतार में खड़ी ये ट्रकें अवैध लाल बालू के परिवहन करने रोज की तरह निकली थी, मगर तस्वीरें आज बदल गई। जिम्मेदार अधिकारियों को आज कार्रवाई करने का आदेश जो मिला है, लिहाजा सभी गाड़ियों को एसडीएम, सीओ, खनन अधिकारी और एआरटीओ को संयुक्त टीम ने अपने शिकंजे में ले लिया है। अवैध बालू के खनन और परिवहन के इस पूरे मामले में ट्रक मालिक की माने तो परिवहन विभाग ने वैध रूप से आ रही ट्रकों को सीज कर दिया, जबकि अवैध रूप से आ रही ओवरलोड ट्रकों को भगा दिया है। पिछले शनिवार को जब ये शिकायत आने लगी कि लाल बालू का परिवहन अवैध ढंग से हो रहा है, हम लोगों को आदेशित किया गया कि कार्रवाई करें, तो इससे हमारे खनन अधिकारी एसडीएम सीओ साहब गए थे। वहां पर मौके पर हम लोगों ने बैरियर लगाए और हमने वहां लगभग 37 गाड़ियां सीज की, जिनमें 32 ट्रैक्टर और 5 रखे हैं। अवैध बालू के भंडारण कोशिश की गई, इस पर कार्रवाई से हम लोग लगभग 18 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। आपका पूरा पर्चा सुनील तिवारी जी, क्या करते हैं? ट्रक चलवाते हैं जी। इस समय सबसे बड़ी परेशानी गाड़ी मालिकों के लिए प्रशासन ने क्यों खड़ा किया है और क्या खड़ा किया है, किस तरह कार्रवाई कर रहा है प्रशासन? माझी बारों से 2 नंबर की गाड़ियों को निकलवाया जा रहा है और 1 नंबर से जो आ रहा है उसको फंसाया जा रहा है। 1-3 दिन पहले 200 गाड़ियां माझी पुल पे खड़ी थी पीटीएस के द्वारा। पीटीएस वहां खड़ा होकर के, पीटीएस कौन है? पीटीएस आरटीओ से नीचे होता है, परिवहन विभाग का अधिकारी है, जो कि वहां पे खड़ा होकर के और सारी अवैध गाड़ियों को बिहार भगवा दिया है और सारी पेपर वाली जो गाड़ियां हैं उनको बंद करके और ओवरलोड अंडर सब ओवरलोड दिखा करके और माझी चौकी में, चंदेर चौकी में दे दिया है। अच्छा, ये कार्रवाई प्रशासन ने एकाएक क्यों किया? ये असूली बंद होने के कारण हुआ। असूली कैसे बंद हुई? असूली बंद हुई कि ये लोग उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई थी तो ये लोग बोले थे कि ओवरलोड बंद कर दीजिए, तो ओवरलोड के लिए ये लोग बैरियर लगा दिए। ये बड़े अधिकारी जाकर वहां चेकिंग में खड़ा हो गए। हाँ, इन लोग की असूली बंद हो गई उस दिन। नहीं, जो एक नाव से बालू आती थी जिसको लेकर के काफी मामला हाईलाइट हुआ, नाव की बालू बंद करने के बाद ये लोग गाड़ी की बालू को डिस्टर्ब किए हैं या एकाएक कार्रवाई किए हैं या दुर्भावनावश बदले? एकाएक कार्रवाई किए हैं। इन लोगों को समय देना चाहिए हम लोगों को, जो ओवरलोड चलवा रहे हैं, पैसा वसूली कर रहे हैं, इस पैसा को हम बंद कर रहे हैं। 3 दिन बाद जो भी गाड़ी आएगी हम इन गाड़ियों को ओवरलोड जाने नहीं देंगे। तो पीटीएस क्यों 200 गाड़ियों को भगाया? क्या महीना लेता है, पैसा लेता है, घूस लेता है? कितना महीना लिया जाता है? अरे एक गाड़ी तो 35,000 रूपये महीना लेता है। एक गाड़ी तो 35,000 रूपये महीना लेता है। मैं उसके सामने चल करके कहने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, हाँ। और चंदेर चौक रूपये एक गाड़ी से, जो वैध गाड़ी है उससे 500 से 1,000 रूपये वसूली होती है, जो अवैध है उससे 3,000 से 4,000 रूपये वसूली की जाती है। पूरी रात को वसूली चलती है चंदेर चौक की। उसके बाद अन्य थानों को कितना दिया जाता है? अन्य थानों पर 200-300 जैसा थानेदार है वैसा पैसा है। कितनी गाड़ियां रोज बालू की आ जाती हैं? मान लीजिए कि माझी पार करती है 300-400 गाड़ियां रोज। हाँ, दोहरी घाट जाती है, गोरखपुर जाती है, बेलथरा रोड जाती है, मऊ जाती है, घोसी जाती है, आजमगढ़ जाती है गाड़ियां, गाजीपुर जाती है गाड़ियां, गली आती है गाड़ियां। आपकी कितनी गाड़ियां हैं? 4। अच्छा, ट्रक है। जी, तो ये जो आप लोगों ने अभियान चला था शनिवार को, रविवार को माझी पुल के पास बिहार से आने वाले लाल बालू लदे ट्रकों का कार्रवाई की, कितने अधिकारी शामिल थे, कितनी ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, किन धाराओं में, और उससे क्या सरकारी रेवेन्यू का फायदा हुआ है, तो कितना लगभग? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछले शनिवार को जब ये शिकायत आने लगी कि लाल बालू का परिवहन अवैध ढंग से हो रहा है, उसका भंडारण, इसमें हम लोगों को मार्गदर्शन मिला और हम लोगों को आदेशित किया गया कि आप वहाँ पर मौके पर पहुँच के वहाँ पर कार्रवाई करें। तो हमारी परिवहन विभाग की टीम, जिसमें हमारे यात्री कर अधिकारी आर पी गौतम साहब थे, मैं था, खान अधिकारी वहाँ पर गए थे, एसडीएम साहब थे, सीओ साहब थे, वहाँ पर जाके मौके पर हम लोगों ने बैरियर लगाए। जितना भी अवैध परिवहन या ओवरलोड गाड़ी हमको परिवहन विभाग
ओवरलोडिंग पे क्यों नहीं कार्रवाई करेगा, तो हमने ओवरलोडिंग पे कार्रवाई की, हमने लगभग 37 गाड़ियां सीज की जिसमें 32 ट्रकें हैं और 5 ट्रैक्टर हैं। उस रात और भी थाना कोतवाली में पुलिस के द्वारा तमाम ट्रैक्टर सीज किए गए, एसडीएम साहब के द्वारा और थाना अधिकारी के द्वारा जगह जगह जो भंडारण था अवैध तरीके का जिसको लोग साबित नहीं कर पाए उनको सीज किया गया। इस पे प्रॉपर बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, एक अच्छा संदेश गया, लोग डरे। और मैं पिछले दिन से देख रहा हूँ, कल मैं पूरी रात वहाँ पे बैरिया बैरिया के पास था और कल दिन की मैं बात बता रहा हूँ, जो भी ट्रक पे बालू का परिवहन हो रहा है वो ज्यादा के बराबर हो रहा है, अपनी सीमा के अंदर वो आ रहे हैं और इससे लगभग हमको 18 लाख रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ जुर्माने के रूप में। पिछले जनवरी से आप हैं और ये अप्रैल का महीना चल रहा है, हाँ लगभग मान के चला जाए 4 महीने में इतनी बड़ी कार्रवाई कभी प्रशासन कर पाया था या आप लोगों का संयुक्त अभियान चलवा पाया था प्रशासन? इसके पहले तो मुझे याद नहीं है, एक बार लोग बताते हैं एक बार इस तरह की कार्रवाई हुई थी। और चूंकि जनवरी से मैं आया था और जनवरी से लेकर 9 अप्रैल तक मैं इलेक्शन में ही व्यस्त रहा, चुनाव में ही व्यस्त रहा, इधर MLC का चुनाव हुआ, उधर सामान्य विधानसभा निर्वाचन का चुनाव हुआ, हम लोग बहुत कार्य करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग खाली हो चुके हैं, अब दो ही काम है जो हमको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उसका प्रॉपर निर्वहन करना। धन्यवाद।